तो आज के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने डालना है कौन कौन हॉस्टल लेने वाला है और कौन पीजी लेने वाला है और कौन प्राइवेट रूम लेने वाला है, उसके अकॉर्डिंग जो मैं फिर एक। सब्सक्राइब का बटन दबा दो क्योंकि ऑगी ने कहा है। हाँ जी दोस्तों, क्या चल, मैं करता हूँ सोचूंगा आपका दोस्तों क्योंकि फिर से आ चुका है नए वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को जो आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। और पहले तो उन लोग को बताता हूँ जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, 2024 में जो लोग आ रहे हैं नैनीताल कॉलेज करने, कुआं यूनिवर्सिटी DSB कैंपस के अंदर, तो मैं उनको अपडेट वगैरह दे रहा हूँ क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, अभी अंडर ग्रेजुएशन का प्रोसेस चल रहा है। अंडर ग्रेजुएशन का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना है और उसकी लास्ट डेट है 31 मई। तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स लोग को भी बता दो, फैमिली मेम्बर में कोई वो भी है, कोई कहता है आपके भाई बहन है तो उनको भी बता दो 31 मई से पहले अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना। रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो होंगे ऑनलाइन होंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वेट करना है और जून में ही मेरिट लिस्ट आएगी, जून में मेरिट लिस्ट आएगी, आप लोग को वेट करना है जून तक का। और देखिए बहुत सारे लोग को डाउट था कि हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए, एंट्रेंस जो कर रहा है अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है कोई से भी फील्ड में, सिर्फ आपके 12th की परसेंटेज के बेस में ही एडमिशन वगैरह होगा। और लोग पूछ रहे थे कि फॉरेस्ट्री होता है या नहीं, देखिए फॉरेस्ट्री ऑनर्स होता है यहाँ पर DSB कैंपस में, 4 ईयर का कोर्स है वो, ठीक है। उसकी फीस भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी MBA की फीस आप लोग पूछ रहे थे, MBA की फीस भी मैंने इस वाले डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, मैंने वहाँ पे डाल दी है, तो आप उसको फटाफट जाके चेक कर लीजिए। अभी फिर भी आपको कोई भी डाउट वगैरह होगा तो आप पूछ लेना। और देखिए BCA का क्या प्रोसेस रहता था लास्ट ईयर तक, BCA में आप लोग को क्लास 12th में मैथमेटिक्स कंपल्सरी होती है, जिसकी मैथमेटिक्स होती थी उसी को जो है एडमिशन वगैरह मिलता था यहाँ पे, ये प्रोसेस है अभी तक का BCA में। और BBA वगैरह में ऐसा कोई फंडा नहीं है कि आपको ये कंपलसरी है या आपको इस स्ट्रीम से आना तभी आपको ये प्रोसेस ये सब्जेक्ट वगैरह मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर BCA में ये था मैथमेटिक्स कंपलसरी क्लास 12th में। और जैसा कि पोस्ट ग्रेजुएशन की जो प्रोसेस है वो होने वाली है नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगी, और उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा डिले चलता है और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिले चलता है, तो नेक्स्ट मंथ होगा। और वैसे जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आप लोग को अपडेट वगैरह दे दूंगा। बाकी अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप सीधे कमेंट सेक्शन करना वीडियो का, मतलब हर किसी का यही डाउट होता है। और मैं हर वीडियो में बोलते आता हूँ कि हॉस्टल का जो प्रोसेस है, हॉस्टल का प्रोसेस जो आप लोग को मैं बता दूँ, हॉस्टल मिलता है आपको जब आपको मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद हॉस्टल मिलेगा। तो आपको अभी इससे कुछ लेना देना नहीं है और 12th के परसेंटेज के ही बेस में मिलता है, ठीक है। हॉस्टल जो गवर्नमेंट हॉस्टल मिलते हैं जो कॉलेज से प्रोवाइड होता है, तो ठीक है। तो आज के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने डालना है कौन कौन हॉस्टल लेने वाला है और कौन पीजी लेने वाला है और कौन प्राइवेट रूम लेने वाला है, उसके अकॉर्डिंग जो मैं फिर एक वीडियो सजेस्ट करूँगा, वीडियो बनाऊँगा उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। और जैसे कि LLM का पूछ रहे थे, LLM का भी यही प्रोसेस रहता है, ग्रेजुएशन के बेस पर ही आपको जो है एडमिशन वगैरह मिलेगा। अभी तक का जो कमेंट्स वगैरह में आपके डाउट्स वगैरह थे मैं उसी बेस में आज की वीडियो थी, और बाकी मैं ये रजिस्ट्रेशन का ही बता रहा हूँ कि आप लोग फटाफट करवा लेना। आई थिंक बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही होगी जो BA LLB कर रहे हैं, BA LLB का देखिए जब कॉलेज सेलेक्ट कर रहे होंगे ना तो वहाँ पर आ रहा होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ इंस्टीट्यूट कुआं यूनिवर्सिटी, वो जो है वो जस्ट कुआं यूनिवर्सिटी के बगल पे ही है, ऐसा नहीं है कि नैनीताल से कहीं दूर है, तो नैनीताल पे ही है, कुआं यूनिवर्सिटी के बगल पे हर्मिटेज करके एरिया है तो वहाँ पे ये है, तो आप उसको जाके फिल कर लेना। DSB कैंपस वो नहीं हो रहा होगा, वो हो रहा होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ इंस्टीट्यूट, तो आप उसको जाके सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि कुछ लोग के क्वेश्चन आ रहे थे कि BSc फॉरेस्ट्री और BSc कंप्यूटर साइंस होता है या नहीं होता है, देखिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जैसे फॉरेस्ट्री में और कंप्यूटर साइंस में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो BSc नहीं होती है, एज अ सब्जेक्ट जैसे आपकी मैथमेटिक्स है फिजिक्स है तो आपको फॉरेस्ट्री मिल जाएगी, या मैथमेटिक्स है आपकी फिजिक्स है, ऑप्शनल में जो आपको ये सब्जेक्ट प्रोवाइड हो जाएंगे जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये चीज़ें जो है BSc वाले स्टूडेंट्स को वहाँ पे ऑप्शनल में मिल जाता है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब करेंगे उस पर सब्जेक्ट का आएगा तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें शो हो जाएंगी, ठीक है। Oh.